नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन हो रहा है। समिट की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिट में शामिल होने वाले सभी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समिट की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समिट का श्री गणेश करने के लिए पहुंचेंगे। तैयारी से जुड़े तमाम पहलुओं पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। क्या है तैयारियों का स्वरूप, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी जी। तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। ये जो शहर का सौंदर्यीकरण है, इसके जो फसाद इम्प्रूवमेंट का काम था वो प्राधिकरण को दिया गया था और उसको हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। कल परसों में हम जो बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा कर लेंगे। बाकी जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित है NIFRI में, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और कल शाम तक वो कंप्लीट हो जाएंगी। अलग अलग शासन द्वारा इसमें समितियां गठित की गई थी, चाहे आवास हो, परिवहन हो, भोजन हो, या पार्किंग का हो, या ट्रैफिक का हो, तो सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं और सभी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। और जो अगर हम निवेश की बात करें तो आज ही ऊर्जा विभाग के द्वारा 40,000 करोड़ का निवेश किया गया है। तो जो सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा था MOU का, उसको ऑलरेडी पार कर चुके हैं। सर, रियल इस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट के क्षेत्र में जो है वो कितना निवेश हुआ है और आप लोगों को भी जो टारगेट दिया गया था क्या वो अचीव कर पाए हैं आप लोग? देखिए, प्राधिकरण को 10,000 करोड़ का दिया गया था, वो हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्या कोशिश आप लोगों की है कि जितने भी मेहमान यहाँ इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं वो एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं और उत्तराखंड का जो विकास है उसकी रफ्तार और बढ़े? बिल्कुल, निवेशक सम्मेलन के चूंकि कई लक्ष्य हैं, वो चाहे निवेश बढ़ाने का हो, आर्थिकी बढ़ाने का हो, या रोजगार बढ़ाने का है, तो उन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है और हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। चलते एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने ग्राउंडिंग की है, जिस तरह से आप लोगों ने कोशिश की है अलग अलग सेक्टर्स में, तो हम क्या उम्मीद करें कि जो रोजगार के नए नए साधन सृजित होने की बात हो रही है, क्या उसका जो लक्ष्य आप लोगों का है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, जैसा मैंने बताया, GSDP को भी डबल करने का लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री, जो इसे लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे इस माध्यम से। जो रोजगार सृजन है, निश्चित रूप से जब निवेश आएगा तो रोजगार का सृजन होगा। जो प्रदेश की आर्थिकी है वो भी इससे बढ़ेगी, तो एक बहुआयामी जो प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव है, आने वाले समय में पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना बंशीधर तिवारी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी प्रयास निश्चित तौर पर सफल साबित होंगे। अपने सचिन के साथ सोनू सिंह, अनादि TV, देहरादून।